हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आपको किस प्रोसेस से गुजरना है, किस किस स्टेप से गुजरना है, तो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको आपसे चार टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की आएगी, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश नॉलेज से 25 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होने वाला है और जो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें आपको करना है। और इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 100 में 100 करके आएंगे, ठीक है। आपका 100 में 100 स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपका जितना भी मार्क्स आता है उसके कट ऑफ बेस पर, ठीक है, आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, उस मेरिट बेस पर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इंटरव्यू है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से गुजरना होगा, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके बाद आपकी मेल आईडी पे जो जन स्टूडेंट का कट ऑफ में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू में स्थान दिया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको मेल पे मेल आ जाएगा आपके पास, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में होने के बाद, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का इंटरव्यू में हो जाएगा, तो फाइनल स्टेप क्या होने वाला है, जिन भी स्टूडेंट का इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद फाइनल स्टेप होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो आपको कंप्लीट करके रखने होंगे। तो आप पहले रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस करें, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपसे जो भी मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं बता दूँ, एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट आफ्टर 15 जून, ठीक है। तो आफ्टर 15 जून के बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। तो आप तैयारी को कंटिन्यू कर दें। तो उसी को देखते हुए हमने जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी के टॉपिक कवर किए हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसमें सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। और आप जो यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दे रही है, ये प्लेलिस्ट है और यहाँ पे एक वीडियो, ठीक है, इसे जाकर देखें तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।